जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जिससे कि भाई कल आपने देखा था हम पेट्रोल पंप पे आकर रुके हुए थे और बस भाई अभी पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं और मस्त छत पे सोए हुए थे पेट्रोल पंप के, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और साइकिल वगैरह हमारी अभी रेडी हो चुकी है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और भाई व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है सामने का, तो चलिए भाई अभी चलते हैं। सो फाइनली गाइस, निकल के आ चुके हैं पेट्रोल पंप से। और आज भाई थोड़ा मौसम धूप ज़्यादा हो रखी है, इससे तो भाई सुहाना है, हवा वगैरह चल रही है, लेकिन फिर भी गर्मी तो लग रही है। तो देखो भाई इधर धान की खेती आप देख सकते हो भाई, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए इस साइड में भी, इस साइड में भी लगी हुई है और इस साइड में थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो गाइस अभी हम कोचस में पहुँच चुके हैं, कोचस गाँव में, मतलब गाँव तो नहीं भाई, सिटी कह सकते हैं एक तरीके से। तो भाई हम कोचस सिटी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भाई को सिम बनवाना थी, तो सिम बनवाने के लिए हम भैया जी की दुकान पे आए हुए हैं। साइकिल वगैरह हमारी यहाँ पे लगी हुई, भाई की यहाँ पे लगी है, मेरी यहाँ पे लगी हुई है और ये भैया जी के यहाँ पे हम सिम चेंज कराने आए हुए हैं। और भाई गर्मी एकदम तबाही वाली हो रही है, मज़ा आ रही है गर्मी के साथ ट्रेवल करने में। और भाई आज सोच रहा है कि आज थोड़ा गर्मी में भी ट्रेवल कर लिया जाए, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए अभी आगे के लिए निकलते हैं, सिम बनवाते हैं फिर निकलते हैं। चलिए तो भाई अभी हमारा चल रहा नाश्ता और ये भैया लोगों ने हमें नाश्ता कराया, तो भैया जी थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी 5 बज चुकी है और भाई इस मंदिर में हम रुके हुए थे, यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे थे भाई, आराम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ट्रेवल बहुत कम कर रहे हैं भाई। अभी जस्ट यहाँ पे आ गए थे हम 12 बजे के समथिंग और यहाँ पे 12 बजे से 5 बजे तक बैठे हुए हैं, तो ट्रेवल सही से नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार भाई, दिन ब दिन ज़्यादा कम ट्रेवल करते जा रहे हैं। यहाँ से हम निकल रहे हैं काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद, साइकिल वगैरह एकदम रेडी है, तो चलिए भाई चलते हैं अभी। सो गाइस दिनारा गांव में पहुँच चुके हैं और भाई यहाँ पे काफ़ी प्यारी लोकेशन है, इधर में तालाब जो दिख रहा है आपको, तो दिनारा सिटी है भाई, गाँव बोलता हूँ यार मैं, तो भाई दिनारा शहर में पहुँच चुके हैं हम। और भाई काफ़ी बड़ी सिटी है और काफ़ी प्यारी भी सिटी है। ये देखिए भाई मंदिर, मेरे को भाई दूर से काफ़ी पुराने लग रहे थे लेकिन अभी बन रहे हैं, मतलब बने हुए हैं, डबल से बनाए जा रहे हैं। तो भाई काफ़ी खूबसूरत सी शाम हो रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो भाई एकदम भाई धान की खेती है और सनसेट होता हुआ कितना प्यारा लग रहा है, देखो एकदम भाई मज़ा ही आ गया साइकिल चलाने में। सॉरी, ये देखिए भाई चारों तरफ धान ही धान है और इतना प्यारा सा सनसेट है, ये देखो। साहब साइकिल हमारी यहाँ पे खड़ी है और भाई यहाँ का भाई एक बार मौसम देखो यार, काफ़ी भाई प्यारा हो रखा है, मतलब कैमरे में इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है भाई, लेकिन मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है, एकदम पिंक वाला, मतलब जैसे भाई बादलों में पिंक पिंक बादल दिखते हैं उस टाइप का। तो भाई आज एकदम दिन ही बन गया, एकदम यार शाम बन गई, मतलब शाम ही बन गई है, एकदम मज़ा आ गया है भाई, मज़ा आ गया है। अभी ब्रिज चढ़ाते चढ़ाते मैं, वैसे तो नीचे से जाने की आदत हो गई थी मेरी, लेकिन व्यू देखने के लिए ऊपर आ ही गया मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ा के, क्या आप देख सकते हो। और भाई व्यू तो वाकई प्यारा हो रखा है। तो ये रही हमारी साइकिल और भाई मेरे को थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है, खांसी वगैरह हो रखी है, सर्दी हो रखी है, तो इसी कारण से थोड़ा हाँप रहा हूँ। हाँ भाई, आपने आपके भाई को हाँपते हुए कभी ज़्यादा देखा नहीं होगा, हाँ बस पहाड़ वगैरह चढ़ाते हुए तब हाँपता हूँ। और भाई पसीना आजकल बड़ा आ रहा है, पसीना पता क्यों आ रहा है पसीना, लेकिन इतना गर्मी में ट्रेवल करके आया हूँ राजस्थान में और भाई बाकी सालों में भी इतनी गर्मी सहन करी है, लेकिन भाई इस साल पता नहीं क्या है लेकिन इतनी गर्मी हो रही है, कुछ ही मत। तो चले भाई चलते हैं अभी आगे के लिए, आकाश आगे चले गए। सो भाई अभी हम हरिपा चौक में रुके हुए थे और यहाँ पे हमें कुछ भैया लोगों ने मिले, जो कि भाई हमें ये देखिए एकदम भाई मीठी सी मीठे पे मीठा हो गया आज,
और ये रहे हमारे भैया जी। सो गाइस फाइनली आज नाइट स्टे करने की जगह मिल चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो भाई यहाँ पे हम रुके हुए हैं, कुछ मेडिकल स्टोर है वहाँ पे रुके हुए हैं, तो बस आज यहीं पे सो रहे। और भाई यहाँ पे जो भैया लोगों ने हमारी हेल्प करी, खाना खिलाया, रहने के लिए जगह दी, तो थैंक यू सो मच। और भाई आज हमारा बिहार में 4 दिन कम्प्लीट होता है और भाई 4 दिन में ऐसा लगा नहीं कि भाई बिहार में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यार, बिहार में बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने। तो कुछ लोग भाई कहते हैं कि बिहार में थोड़ा चोरी चकारी है भाई, लेकिन कई कई जगह पे, और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि एक इंसान के बदले आप पूरे गांव को बदनाम नहीं कर सकते हैं, तो यही सीन है। और बस भाई अभी यहाँ पे सो रहे हैं, दिक्कत वगैरह पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस भाई नींद लगने ही वाली थी, लेकिन फिर सोचा ब्लॉग एंड करना भूल रहा हूँ, तो बस भाई ब्लॉग को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।